हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बाल गोपाल का ये छोटा सा झूला, कान्हा जी का झूला आज हम बनाने वाले हैं। बहुत ही सुंदर डिजाइन है और बहुत जल्दी ही बन के रेडी हो जाता है, तो चलिए आज हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे देख लेते फ्रेंड्स क्या क्या चाहिए। तो कलर में मैंने माइक्रम लिया है और 6 इंच की मैंने यहाँ पे 2 रिंग ली है, 8 इंच की एक रिंग है और 10 इंच की 2 रिंग है यहाँ पे। और कुछ बीट्स लिए हैं मैंने, मल्टी कलर में है। तो सबसे पहले हमें एक 6 इंच की रिंग ले लेनी है और इस पे हम इस तरीके से कॉर्ड अटैच करेंगे। सारे कॉर्ड मैंने एक एक मीटर में कट किए हैं, तो सभी को हम इसी तरीके से यहाँ पे अटैच कर लेना है दोनों साइड पे। देखिए इस तरीके से, टू टू टाइम हमें इसको पाइपिंग करना है और ये कॉर्ड अटैच हो जाएगा इस तरीके से। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे है मैंने 10 कॉर्ड अटैच कर लिए हैं। अब बाकी के कॉर्ड इस साइड से अटैच करेंगे इसी तरीके से जैसे कि हमने ये किए हैं। और इनको हम यहाँ से एक साइड से अटैच किया इसको, और एक कॉर्ड छोड़ के एक कॉर्ड दबाते हुए एक कॉर्ड को उठाएंगे और इसी तरीके से हम इस कॉर्ड को हम इस तरीके से इधर लेके आएंगे और इस रिंग पे हम इसको पाइपिंग कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, अब जहाँ से हमने जो जो कॉर्ड हमने दबाया था उसको ऊपर की साइड पे लेना है, और जो कॉर्ड हमने ऊपर की साइड पे लिया था उसको दबाते हुए इस तरीके से फिर से सारे कॉर्ड इसी तरीके से हम अटैच कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 15 कॉर्ड अटैच किए हैं, एक तरफ मैंने 10 किए थे और एक साइड में 15 कॉर्ड अटैच हुए हैं, तो यहाँ पे टोटल 25 कॉर्ड हमने यूज़ किए हैं। और अब हम देखिए जिस तरह के कॉर्ड निकले हुए हैं उस साइड से ही हम नोट लगाते जाएंगे, 4-4 कॉर्ड लेके और एक एक नोट लगाएंगे हम। सिंपल स्क्वायर नोट लगाने हैं हमें यहाँ पे, और हम कान्हा जी के लिए टोकरी तैयार कर लेंगे। पूरे में ऐसे ही एक राउंड हम कंप्लीट करेंगे। फिर देखिए फ्रेंड्स, बीच के 2 कॉर्ड लेते हुए हम इसमें एक बीट्स ऐड करेंगे और फिर से हम यहाँ पे नोट लगा लेंगे। ये देखिए, फिर से बीच के 2 कॉर्ड लेंगे और उसमें बीट्स ऐड कर देंगे। बहुत ही सिंपल है डिजाइन फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई करना। ये देखिए इसी तरीके से हम एक राउंड लगा लेंगे। ये देखिए, फिर से जो हमारे नोट के बीच में 2 कॉर्ड आए हैं उसमें हम बीट्स डालेंगे और फिर से नोट लगा लेंगे, और इसी तरीके से पूरी हम बीट्स की एक लाइन कंप्लीट करेंगे। ये देखिए एक लाइन हमने फिर से कंप्लीट कर ली है यहाँ से और नोट लगा लिए हैं। अब हमें दूसरी रिंग लेनी है 6 इंच की, और इस पे हम सारे कॉर्ड पाइपिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, जो हमने ये नोट लगाए थे अभी, इनको हम थोड़ा सा ढीले हाथों से लगाएंगे, नहीं तो हमारी टोकरी ज़्यादा खिंच जाएगी।
और ये अच्छे से कोड अटैच नहीं हो पाएंगे। अब हम इसको टाइट हाथों से बिल्कुल और इसको पाइप कर लेंगे पूरी रिंग पे इसी तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी टोकरी बनके रेडी हो चुकी है। अब हम हमारे जो ये एक्स्ट्रा कोड है तो इनको हम कट करके यहीं पे अंदर की साइड चिपका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने ये जो 10 इंच की हमारी रिंग है उनको हमने जॉइंट कर लिया है एक धागे से, और जो हमने 8 इंच की रिंग ली है वो उसको हम नीचे रखेंगे और इस तरीके से छोटे छोटे कोड से हम इनको बांध लेंगे। अभी हमें नीचे की इसको जॉइंट भी करना है और नीचे की जो हमारी रिंग है उसको पूरे को कवर करना है। तो हम मैंने देखी यहाँ पे एक एक मीटर के 2 कोड जॉइंट कर लिए हैं बीच से। आप 1 कोड भी ले सकते हैं और एक कलर में भी इसको बना सकते हैं। मैंने 2 कर लिए हैं यहाँ पे और सिंपल स्क्वायर नोट हम यहाँ पे लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 नोट लगाए मैंने, यहाँ पे 3 नोट, और इस रिंग को हम ऊपर वाले रिंग को भी साथ में इसको नोट लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें इस पे नोट लगाते जाना है और ये इसके साथ नीचे वाली रिंग के साथ जॉइंट हो जाएगी, जुड़ जाएगी ये इसके साथ अच्छे से। यहाँ पे हम 4 से 5 नोट लगाएंगे। फोर नोट और ये हाफ नोट और लगा लेते हैं। 5 नोट हमारे यहाँ पे हो गए हैं। अभी हमें क्या करना है, जो ऊपर की साइड रिंग है उसको छोड़ देना है और नीचे वाली जो रिंग है उसी पे हमें पाइपिंग करते हुए नीचे वाली रिंग को पूरा से ऐसे ही स्क्वायर नोट लगा के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इधर से हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और दूसरी साइड से भी हम दूसरी रिंग को साथ में जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पे भी फ्रेंड्स हम 5 नोट लगाएंगे और फिर से नीचे वाली रिंग को जो हमारी बची हुई है उसको भी हम कवर कर लेंगे सेम इसी तरीके से नोट लगा के। ये देखिए अभी छोड़ देते हैं इस ऊपर वाली रिंग को और नीचे वाली रिंग को कवर कर लेंगे। ये देखिए इसको यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेंगे और ये हमारी हो चुकी है। और अब हम इन कोड को थोड़ा सा पिघला के और इस कोड के अंदर से निकालेंगे हम यहाँ से, ताकि ये अच्छे से ये जो हमारा रेड वाला कोड है इसके अंदर से निकाल के और पीछे की साइड में चिपका लेंगे। दूसरी साइड वाला कोड भी हम इसी तरीके से निकाल लेंगे और नीचे की साइड पे इसको चिपका देंगे। एक गांठ यहाँ पे लगा रही हूँ मैं ताकि पक्का हो जाए और लाइटर की मदद से इसे चिपका लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें कोड अटैच करने हैं
और इन कोड को हम दोनों साइड से निकालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं 5 कोड अटैच कर रही हूँ। अब बाकी के कोड हम रिंग पे, सिर्फ एक रिंग पे कवर करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कोड अटैच कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने 5 कोड अटैच किए थे, तो मैंने 2 निकाल दिए यहाँ पे बीच में, और 3 नोट मैंने बीच में अटैच किए हैं, और साइड में मैंने 10-10 कोड अटैच किए हैं। और हर एक कोड को मैंने इस तरीके से दोनों साइड से निकालते हुए डबल पाइपिंग की है। ये देखिए, इस तरीके से कोड हमने अटैच किए हैं। यहाँ पे 13 कोड यहाँ पे हमने अटैच किए हैं, 10 इधर, 10 उधर, और 3 कोड हमने बीच में लगाए हैं। अब हम इनको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे दूसरी साइड पे, ऐसे ऊपर की साइड में हम इस पर डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस साइड का जो फर्स्ट कोड है उसमें हम ब्लू कोड अटैच करेंगे, और इसको हम दोनों साइड से एक एक बार और निकाल लेंगे इस तरीके से। और दूसरी साइड से भी इस तरीके से हम निकाल लेंगे इसको। और जितने भी हमारे जो रेड कोड हैं, उस कोड पे हमें ये ब्लू वाला कोड पाइपिंग कर लेना है। तो इस तरीके से हम पाइपिंग करेंगे। ये देखिए, रेड वाला कोड लेके और सभी कोड पे हम इस तरीके से पाइपिंग करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम पूरे कोड में पाइपिंग कर लेंगे। पूरे में हम ऐसे ही बना के रेडी कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ पे हमने पूरे में पाइपिंग कर ली है।
और अब हमें ये दो कॉर्ड हमने कट कर लिया है यहाँ पे, और इसको हम पीछे की साइड पे चिपका देंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक और एक्स्ट्रा कॉर्ड हमने ले लिया है यहाँ पे, और इसको हम देखिए यहाँ से इस तरीके से लंबा छोड़ देंगे थोड़ा सा, और यहाँ पे एक गांठ लगा लेंगे कॉर्ड में, ताकि जो हमें पाइपिंग करने में है मदद हो जाएगी, आगे नहीं खिसकेगा। तो इस कॉर्ड पे हमें सारे रेड वाले कॉर्ड पाइपिंग कर लेने हैं। ये देखिए इस तरीके से हम पूरे में पाइपिंग कर लेंगे। पूरे में इस तरीके से हम पाइपिंग कर लेंगे। ये देखिए पाइपिंग हमारी हो चुकी है, और यहाँ पे देखिए अब हमारे 6 कॉर्ड हो गए। 6 6 कॉर्ड करके मैंने यहाँ पे ये दूसरी साइड भी हम गांठ मार लेंगे, जो हमने अभी जॉइंट कॉर्ड जॉइंट किया था। और अब हमारा 6 6 कॉर्ड का ये इस तरीके से बन के बना लिया है, और 6 6 कॉर्ड लेंगे हम और एक डिजाइन तैयार करेंगे यहाँ पे हम। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 2 कॉर्ड इधर 2 कॉर्ड इधर छोड़ के हम 2 कॉर्ड में बीट्स बीट्स डाल देंगे। एक मटका शेप का यहाँ पे हमने बीट्स लिया है। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट कॉर्ड सेकेंड कॉर्ड पर हम पाइपिंग कर रहे हैं, एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से, और ये हम 3 टाइम करेंगे। ये देखिए 3 टाइम हमारी पाइपिंग खुल गई है। अब हमें क्या करना है, इस दूसरी साइड पे भी ये जो हमारा सेकंड वाला कॉर्ड है, इस वाले कॉर्ड पे हम पाइपिंग करेंगे सेम इसी तरीके से जैसे कि हमने इधर किया है। एक बार ऊपर से और एक बार नीचे को उससे कॉर्ड निकालते हुए पाइपिंग कर लेंगे इस पे। देखिए ये देखिए 3 टाइम हमारी पाइपिंग हो चुकी है, और बीट्स को ऊपर कर लेंगे और एक यहाँ पे नोट लगा लेंगे। यहाँ पे एक नोट तैयार कर लेंगे, सिंपल स्क्वायर नोट। अब यहाँ से जो हमारा फर्स्ट वाला कॉर्नर वाला जो हमारा कोड है, उस कोड पे हम 2 कोड को पाइपिंग कर लेंगे। ये देखिए अब इधर से जो कॉर्नर वाला कोड है, उस कोड पे हम पाइपिंग करेंगे। ये देखिए दो दो कोड दोनों कोड पे पाइपिंग हो चुके हैं। अब हम इनको एक दूसरे के ऊपर जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से, और ये देखिए फ्रेंड्स, फिर से देखते हैं, यहाँ पे 6 कोड हैं, और ये जो हमारा सेकंड वाला कोड है, फर्स्ट वाले कोड को छोड़ के फर्स्ट वाले कोड से हमें पाइपिंग करनी है। इस तरीके से डिजाइन बनाना है ऊपर नीचे करके, एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से निकालते हुए।
थ्री टाइम हमें यहाँ पे पाइपिंग करनी है। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी पाइपिंग कर लेंगे। तो देखिए बीच वाले कोड में फिर से बीड्स डाल देंगे हम यहाँ पे, और एक सिंपल स्क्वायर नॉट हम यहाँ पे लगाएंगे। और ये देखिए साइड वाले कोड लेंगे और इस पे हम टू कोड को पाइपिंग कर लेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी पाइपिंग कर लेंगे। देखिए एक दूसरे के कोड को एक दूसरे के ऊपर पाइपिंग कर लेंगे फिर से, और जो एक्स्ट्रा कोड है इनको हम कट करके चिपका लेंगे। देखिए इस तरीके से सभी कोड को हम जो कट करके और चिपका लेंगे। और ये देखिए हमारा ये मैंने पूरा बना के रेडी कर लिया है, और मैंने रिंग भी कवर कर ली है। सिम जैसे कि अभी हमने पाइपिंग की थी एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से, और यहाँ साइड में हम जो आगे वाला पोर्शन हमारा उसको हम देखेंगे कि हमने कैसे बनाया है। तो एक कोड ले लिया है मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 मीटर का, और इसको हमने यहाँ पे देखिए पीछे की तरफ चिपका दिया है, और एक बार ऊपर से एक बार नीचे से पाइपिंग करेंगे। ये देखिए 1 2, और एक दो बार हमने यहाँ पे पाइपिंग किया, और फिर एक बीड्स को हम इस कॉर्ड में डाल देंगे और फिर से हम यहाँ पे पाइपिंग करेंगे। एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से कोड लेते हुए हम यहाँ पे पाइपिंग कर लेंगे, और पूरी रिंग हमारी ऐसे ही हम कवर करेंगे। ये देखिए यहाँ से फिर से हमें 2 या 3 जितना भी आप गैप देना चाहे 2-3 नोट छोड़ के। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैंने 3 नोट यहाँ पे लगाए हैं और एक बीड्स डाल देंगे। और फिर से एक बार ऊपर की साइड से और एक बार नीचे की साइड से कोड को निकालते हुए हम डिजाइन बनाएंगे यहाँ पे। ये देखिए 3 नोट मैंने फिर लगा लिए यहाँ पे, पाइपिंग कर ली है, और फिर से एक बीड्स लगा लूँगी और यहाँ पे फिर से इसी तरीके से पाइपिंग करेंगे। रिंग को हम कवर करेंगे एक बार ऊपर से और एक बार नीचे की साइड से निकालते हुए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 5 बीड्स हमने यहाँ पे लगाए हैं, और बाकी के में मैंने यहाँ पे देखिए 5 से 6 नोट हमारे यहाँ पे लगे हैं, और हमने यहाँ पे इसको बना लिया है, पूरा कवर कर लिया है। अब एक्स्ट्रा कोड को कट करेंगे और चिपका देंगे नीचे की साइड पे।
ये देखिए हमारी रिंग कवर हो चुकी है और डिजाइन भी हमारा बन चुका है। ये देखिए एक ऊपर भी हम यहाँ पे कॉर्डर ज्वाइंट कर लेते हैं ताकि जब भी हमें नहीं सॉरी यहाँ से जो बीच का पोर्शन